हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपके जेई मेंस के पेपर अच्छे जा रहे होंगे और जाने भी चाहिए, आपने मेहनत करा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10/√π। एक हमारे पास सर्कुलर ऐसा बेटा लूप है जिसकी रेडियस दे रखी है आर इक्वल टू 10/√π। ओके, इज प्लेस्ड इन अ लीनियरली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैं ले लेता हूं बेटा, आउटवर्ड ले ले रहा हूं, ठीक है, जो कि लीनियरली वेरी कर रही है। मतलब ये टाइम के साथ क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। ओके, विच हैज मैग्नीट्यूड 0.5 टेस्ला एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी इक्वल टू, वो है 0.5 टेस्ला। ओके, चलो इसको T1 बोल देता हूं, उसको B1 बोल देता हूं। द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू 0 एट टाइम T इक्वल टू 0.5 सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड B2 जो होता है बेटा वो 0 टेस्ला हो जाता है रिड्यूस होके, कब? टाइम T2 इक्वल टू वॉट? 0.5 सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप एट टाइम टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड। अच्छा, तो टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड पर हमें क्या करना है बेटा, ई इंड्यूस डिफाइन करना है। ओके, अच्छा देखो जरा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के साथ बेटा लिनियरली वेरी कर रही है, कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, बी इक्वल टू 0.5 टेस्ला। एंड टाइम टी इक्वल टू 0.5 पर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई है, 0। मतलब कुछ ग्राफ ऐसा है लिनियरली वेरी कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बेटा, रिड्यूस हो रही है। अच्छा, टाइम टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड। अच्छा, क्या टाइम टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड बेटा इसी के बीच में इधर कहीं आएगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लिनियरली वेरी कर रही है विद टाइम, तो उस समय हमारी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होकर कितनी हुई होगी बेटा, 0.25 टेस्ला। मीन्स जो चेंज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है बेटा वो कितना आया, 0 से 0.25। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो कितना है, 0.25 टेस्ला। और कितने टाइम में बेटा चेंज इन टाइम कितना है बताओ, क्या चेंज इन टाइम भी 0.25 सेकेंड? ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस्ड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, होता है सबको पता है, वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर को और एरिया भी बेटा, एरिया वेक्टर भी इसका बाहर को अगर ले लें तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। तो फाइव बी शुड बी इक्वल्स टू बी ए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फाइव बी इन इक्वेशन, दिस ई इंड्यूस्ड इक्वल टू डेल्टा फाइव की जगह पे हम लोग रख देते हैं बेटा बी ए अपॉन में डेल्टा टी एज इट इज। एरिया ऑफ द
सर्कुलर कॉइल कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो रही है, बाहर निकाल लेते हैं। तो E इंड्यूस्ड इक्वल टू हो जाएगा बेटा A चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में चेंज इन टाइम। तो E इंड्यूस्ड विल कम्स आउट, A की वैल्यू रख देते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.25 अपॉन में चेंज इन टाइम कितना है बेटा 0.25। नाउ यहां तक नोट कर लीजिए, फिर यहां पे इरेज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं बेटा। E इंड्यूस्ड इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू है बेटा 10 रूट पाई का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा टेस्ला अपॉन सेकेंड एंड दिस इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नीड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, दिस इज 100, दिस इज 10^-4 कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर में, दिस इज अ पाई टेस्ला सेकेंड, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा बेटा एंड ई इंड्यूस्ड आ जाएगा हमारा 0.01 वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।